This is my dream. Hello friends, how are you? कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप बहुत ही अच्छे होंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं काइनामेटिक्स में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मैं नवनीत सर, आई होप कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे. कोरोना वायरस से आप बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए और ऑनलाइन एजुकेशन का हेल्प लीजिए. कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए. तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो बेस्ट, इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, ठीक है. वो सिर्फ आपको अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी से ही मिलेगा, ऐसे वैसे इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है. तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे दो लेक्चर दूंगा. एक लेक्चर थ्योरी का होगा, एक लेक्चर न्यूमेरिकल का होगा. अगर ये मेरे दोनों लेक्चर आप देख लोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे यार, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन है, मॉड्यूल है, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली कर लोगे. सिर्फ दो लेक्चर मेरा देख लेना. तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम कुछ मोशन को विजुअलाइज करते हैं, नेचर में कुछ मोशन को देखते हैं प्यारे बच्चों, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. इसको समझने के लिए मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ. फील आनी चाहिए यार, ठीक ना. फिजिक्स में जब तक फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, तब तक मजा नहीं आएगा. अंदर से फीलिंग आनी चाहिए यार, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए यार, और क्रिएटिविटी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना. तो क्रिएटिविटी पढ़ने के लिए इससे हम कंप्लीट एनिमेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है ना. किसी भी चीज़ को यहाँ हमें एनिमेशन के हेल्प से आपको समझाऊंगा, ठीक है. तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्हीकल है, वो कंटिन्यूस चल रही है. द व्हीकल इज मूविंग कंटिन्यूस. इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है, ए नाम का पॉइंट है, यहाँ पर कभी गाड़ी थी, अब गाड़ी धीरे 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 आगे चल रही है, ठीक है. तो जो व्हीकल है वो कुछ ए पॉइंट से कुछ सम पाथ कवर की है. मान लो यहाँ से ये यहाँ तक चली गई है, इस पेड़ से इस पेड़ तक आ गई है. तो मान लो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चली गई है, ठीक है. तो ये 2 किलोमीटर का जो पाथ का ट्रेवलिंग है, वही क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ. डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई द बॉडी. द बॉडी, द पार्टिकल, द ऑब्जेक्ट या अदर थिंग, दैट इज एक्चुअल पाथ डिस्टेंस. एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ अगर आप व्हीकल का देखोगे तो व्हीकल का हर एक पॉइंट कभी यहाँ था, कुछ टाइम बाद वो पॉइंट यहाँ आ गया. तो इसमें तो डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है, बट देर आर सम मोशन, नेचर में कुछ मोशन है बच्चों जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार. तो उसको उसमें थोड़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इस मोशन के भी बारे में सोचो, तो इस मोशन के बारे में अगर आप सोचते हो तो यहाँ देखो, यहाँ लिटिल बिट एज कम्पेयर टू लास्ट वन मोशन, ठीक है. अगर मैं लास्ट मोशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, देख रहे हो आप. तो यहां पर देखो आप, यहां पर हर एक पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करोगे तो व्हीकल जो व्हील है उसका हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है. तो हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्प्लेस हो रहा है. कोई पॉइंट यहां था, कुछ टाइम बाद यहां है, कुछ टाइम बाद यहां है, पूरा व्हील आगे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है. तो एक्चुअली कोई जो पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका अपना एक्चुअल पाथ कवर्ड है, ठीक है. तो इस चीज को आई होप कि ये जो फीलिंग है अभी आई होगी बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से इसको हम लोग समझते हैं. आ जाइए असाइनमेंट में, ठीक है. तो चलो, डिस्टेंस क्या चीज होती है. डिस्टेंस इट इज अ बेसिकली इट्स नथिंग, ठीक है. अब इसको मैं आपको समझाऊं कि डिस्टेंस क्या होती है. चलो आ जाओ, बेहतर तरीके से समझते हैं. डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. पहला पॉइंट क्या है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. अब अगर मैं कोई बॉडी है, जैसे मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जर्वर, कुछ भी पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है. तो पॉइंट बी तक जाता है तो कैसे जाएगा यार, देर आर सो मेनी रूट्स, बहुत सारे पाथ है, ठीक है ना.
तो बहुत सारे पाथ है, तो इन सभी पाथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जिस रास्ते से चलेगा, जिस पाथ पे चलेगा, उस पाथ की लेंथ, ठीक है, इन सभी पाथ की लेंथ को जोड़ दो, इन सभी पाथ के लेंथ को जोड़ दो, छोटा छोटा पाथ, अगर ये छोटा सा पाथ dx है, तो इस छोटे छोटे पाथ dx को पूरा जोड़ दो, ठीक है, तो ये जो पाथ है वही क्या है, डिस्टेंस है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू रीच द पॉइंट पी एज शोन इन फिगर, देन डिस्टेंस। देखो जैसा कि आप यहाँ से ये बेहतर एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हो कि एक पार्टिकल ए से बी पर गया, चलो ए से बी पर गया पार्टिकल, एक पार्टिकल था, कोई पर्सन था, मान लो कोई पर्सन था, कहाँ गया, ए से बी पर गया, फिर बी से कहाँ गया, सी पर गया, तो ये बी ए बी जोड़ लो और बी सी जोड़ लो, तो जो डिस्टेंस हुआ कितना होगा, 7 मीटर, 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, तो ये 7 मीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस एक्चुअल में चला कितना है बच्चों, ठीक है ना, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसे कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है भाई, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, तो ए से बी तक जाने के जितने भी रास्ते हैं, ठीक है, अब आप ये सोच के बताओ कि ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं, कितने रूट्स हैं, हाउ मेनी रूट्स आर अवेलेबल फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक जाने के लिए कितने रूट्स हैं, इनफाइनाइट, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जैसे मान लो इसको ए से बी तक जाने के कोई और भी मैं आपको इसको और अच्छे समझाता हूँ। ये क्या है, ये एक घर है रामू का, ये जो है रामू नाम का पर्सन है, रामू का घर है, और इधर इधर जो घर है, ठीक है ना, वो दूसरे का घर है, ठीक है, ये है श्यामू का घर है, ठीक है, तो रामू श्यामू जो है ये दो कैरेक्टर है, तो ये जो रामू है वो श्यामू के घर जाना चाहता है, तो रामू जो है वो श्यामू के घर अगर जाना चाहता है तो कितने पाथ से जा सकता है। अब भाई मान लो इसको अपने पड़ोसी के घर जाना है, लेकिन इसका स्टाइल अलग है, रामू का स्टाइल अलग है, यहाँ से पहले लंदन गया, लंदन से ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से फिर कहीं बैंकॉक गया, ठीक है ना, फिर बैंकॉक से श्यामू के घर आ गया, ठीक है, तो ये जो पाथ इसने ट्रेवल किया वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो देर आर इनफाइनाइट रूट्स, ठीक है। अब जाना तो पड़ोसी के घर में, तो सीधा भी तो जा सकता है भाई, बड़ा अपना अपना स्टाइल है जाने का, तो ये जो यहाँ से जितने भी रूट्स अवेलेबल हैं उन सभी रूट्स का, उन सभी पाथ का नाम है डिस्टेंस। और जो राम से हम डायरेक्ट गया, जो डायरेक्ट गया सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ चूज किया, शॉर्टकट मार दिया, तो जब शॉर्टकट मार दिया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या चीज़ होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली समझाने के लिए, ये एग्जांपल मैं अक्सर बच्चों को दिया करता हूँ। देखो अब मान लो ये यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पर एक शॉप है, ठीक है ना, एक शॉप है, एक शराबी, समझ रहे हो ना, शराबी ड्रंकार्ड, एक शराबी जो है वो यहाँ बियर के शॉप पे जाता है, ठीक है, बियर के शॉप पे जाता है एक शराबी, तो बियर के शॉप पे कैसे जाएगा शराबी, कैसे जाएगा घर से, जब शराबी निकलेगा बियर के शॉप पे, वाइन के शॉप पे, तो वो बहुत तेजी से भागते हुए जाएगा शराबी, तो ये जो शराबी बहुत तेजी से भागा ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, टू ड्रिंक द एल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, तो ये तो, लेकिन जब शराबी वाइन के शॉप से पी पा के आएगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले अपने दुश्मन के घर के सामने जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर लास्ट में वो अपने घर आएगा, तो ये जो शराबी ने पाथ चूज किया वो उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, और जो सब जब उसको लगी थी बहुत पीने का मन किया था तो वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जो जितने भी रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इवन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए डिस्टेंस, ठीक है,
तो जितने भी रूट्स अवेलेबल हैं इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो हम बाद में सीखेंगे। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डजेंट मैटर विथ डायरेक्शन, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला है, SI यूनिट ये है। चलो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, हमें क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जो होती है बच्चों कि इट इज़ द चेंज इन द पोजिशन वैक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जैसे ए से पर्सन कहाँ गया था, ये जो पर्सन था वो ए से बी पर गया था, बी से सी पर गया था, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया था, डिस्टेंस हो गया था 7 मीटर। अब चला कहाँ से था, ये इनिशियल पोजिशन यहाँ था। इसकी जो जर्नी थी, इसकी जो कहानी थी बच्चों, ठीक है ना, इसने अपनी ज़िंदगी की कहानी यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी की कहानी यहाँ ख़त्म कर देता है, ठीक है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो देखो, एक तरीका ये है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, जब सीधा सीधा पता हो, हमें तो पता ना भाई, ए से चला था सी पे गया, दिख रहा भाई, आंखों से दिख रहा था, ए से सी पर चला गया, दिखाई दे रहा है। कभी कभी दिखाई नहीं देंगी चीज़ें, कभी कभी पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर 30 डिग्री साउथ ईस्ट गया, फिर 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट गया, फिर 30 डिग्री वर्टिकल से गया, कहाँ गया आप सोचो, कहीं हमें पता ही नहीं यार ऐसे कॉम्प्लेक्स मोशन में। तो उस केस में मैं डायरेक्ट लाइन ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है, पर अभी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ए से सी तक मैं सीधा एक लाइन ज्वाइन कर दूँ, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली होगी। इस लेंथ की जो वैल्यू है वो है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो जो इस लेंथ की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सीधा ज्वाइन कर दूंगा, और दूसरा तरीका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के हेल्प से। तो ये क्या कह रहा है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो इस पॉइंट को मैं डिटेल में आपको समझाऊं प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को मैं डिटेल में समझाऊं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए मैं आपके लिए इसको मैं थोड़ा लगा देता हूँ, वेक्टर वेक्टर में भी है। तो ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया। अब इमेजिंग कर लिए, यहाँ ए P1 पॉइंट पे कोई पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट x, y1 और z1 कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इधर z एक्सिस है बोर्ड के बाहर, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर r1, सबको आता है पोजीशन वेक्टर बनाने, ओरिजिन से सीधी लाइन, ठीक है ना, ओरिजिन से सीधी लाइन पोजीशन वेक्टर। मान लो पार्टिकल चला, चलते चलते यहाँ आ गया, ठीक है, तो चलते चलते यहाँ आ गया P2 पे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया X2, Y2, Z2, समझना इसको। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर बदल गया होगा, अब पोजीशन वेक्टर हो गया होगा R2, ये समझ में आ रहा होगा सबको, पोजीशन वेक्टर वेक्टर। तो चेंज इन, ये बता रहा है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो पहले यहां था, बाद में यहां चल गया, तो यहां से एक सीधी लाइन ज्वाइन कर दूं, तो जो सीधी लाइन ज्वाइन करूंगा Δr, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ट्रायंगल रूल लगा दो, ट्रायंगल रूल तो सबको आता होगा, हाँ, किसी को दिक्कत है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, और ये आ जाएगा Δr वेक्टर, ठीक है। तो जो ट्रायंगल रूल लगा दो, ये गया, यहाँ से मिला दो, R2 की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस Δr के बराबर होगी, तो Δr की जो वैल्यू आ जाएगी, जो Δr आ जाएगी, ट्रायंगल रूल, ये गया और ये वाला, ठीक है, तो जो Δr आ जाएगी वो आ जाएगी R1 माइनस R2, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, अभी यहाँ से R1 R2 निकाल सकते हो,
आर वन की वैल्यू बोलो, आर वन की वैल्यू वेक्टर के टर्म में आता ना, वेक्टर वेक्टर आता है, तो आर वन वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वन वेक्टर हो जाएगा एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप, ठीक है। जो आर टू वेक्टर आ जाएगा, जो आर टू वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, ठीक है, आया समझ में। तो जो इनमें जो चेंज आया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर जो आ जाएगा बच्चों, डेल्टा आर वो आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू इसमें से इसको घटा दो तो एक्स वन माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई वन माइनस, ठीक है एक मिनट, ये यूं गया यूं गया गया, तो आर टू इजिकल टू आर वन प्लस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर इजिकल टू आर टू माइनस आर वन होगा। ये डेल्टा आर जो है वो आ जाएगा आर टू माइनस आर वन, ठीक है ना। तो आर टू माइनस आर वन एक मिनट, ये जो आ जाएगा डेल्टा आर जो आ जाएगा बच्चों ट्रायंगल रूल से वो आ जाएगा आर टू माइनस आर वन, ठीक है ना। तो आर टू माइनस आर वन ट्रायंगल रूल आता होगा, ट्रायंगल रूल लगा दो इस पे यार। तो आर टू माइनस आर वन, चलो आर टू निकाल लो, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ठीक है। तो इसको दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ढंग से लिख लो, पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो और इसको अच्छे से लिख लो, तो डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये वाली क्या चीज़ है, तो ये वाली क्या है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बदल गया तो जो भी आएगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों आपको। तो चलो इसको हम बाद में सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, घबराओ नहीं, पेशेंस रखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सबको निकालने आएगा जब मेरे लेक्चर पूरा देख लोगे तब। चलो तो ये डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्लियर है। अरे भाई ये वेक्टर है तो कहाँ दिख रहा है, क्या आपको वेक्टर है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाओ आप भाई। ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, तो जो डी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी ना यार, वेक्टर है तो उसकी, तो ए से सी इनिशियल टुवर्ड फाइनल, अभी यहाँ पर किधर है, तो ए से सी तक जो सीधी वाली वेक्टर है, जो सीधी वाली वेक्टर, ए से सी तक जो सीधी वाली वेक्टर है प्यारे बच्चों, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। और इस लेंथ, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड है, इस जो लाइन है इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन ए टू सी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की यूनिट डायमेंशनल फार्मूला सेम है, फिगर से इसे निकाल सकते हो। चलो ये कुछ पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ अच्छे पॉइंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू मिनिमम द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, ठीक है। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर आपके पास दो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन ए और पोजीशन बी, तो पोजीशन ए और बी के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उसकी मैग्नीट्यूड
उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो मिनिमम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। आया समझ में? तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है भाई? सीधी सीधी बात करो ना, सीधी वाली लाइन की बात करो, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, और इस लेंथ में अगर एरो लगा देते हो, डायरेक्शन ऐड कर देते हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, फॉर ए मूविंग डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव या जीरो व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। अगर एक मूव कर रहा, पार्टिकल मूव कर रहा है, समझ रहे हो, मूव कर रहा, मोशन स्टार्ट हो गया, रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में रहेगा तो उसका डिस्टेंस जीरो है और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस जीरो है, ठीक है भाई, आ रहा समझ में? लेकिन अगर डिस्टेंस जीरो है, चला ही नहीं, डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब चला ही नहीं यार, ठीक है। तो डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो नहीं भी हो सकती, आया समझ में? तो पार्टिकल मूविंग नेवर निगेटिव, ठीक है। अगर पार्टिकल चल रहा है, जैसे मान लो देखो ए पॉइंट से कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर चलना स्टार्ट कर दिया तो जैसे ही चलना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस नॉन जीरो हो गया, और ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर, और कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता भाई। एक बार जब टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एक बार जब मैं घर से अपने निकल जाऊंगा मैं घर से अपने, तो वो टाइम बढ़ता चला जाएगा। टाइम ऐसा वेरिएबल कि मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो एक बार जब टाइम बढ़ता चला जाएगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा खोपड़ी लगा के सोचो, दिमाग लगा के सोचो कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार जब घर से निकल जाओगे, टाइम पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है, जो कोई भी मशीन नहीं है जो भी टाइम को कंट्रोल करे, तो टाइम पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कभी घटेगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो पॉसिबल है जब बॉडी चली ही नहीं, तो ये बता रहा है, ठीक है। तो फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। एक बार इसको फील कराता हूँ, ठीक है ना, एक बार इसको फील कराता हूँ। आर ना ऐसे कहोगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया यार, मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना। देखो अब एक पार्टिकल ए से चला, ओ से चला, और ये यहां पर आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, -10.0 पर आ गया, ठीक है। ओ से ए पर आया, फिर ए से वापस आया, ठीक है, ए से गया, ओ से ए पर आया, ओ फिर ए से आगे निकल गया, बी पर गया, जिसका कोऑर्डिनेट सॉरी ये प्लस होगा, जिसका कोऑर्डिनेट -20.0 है, ठीक है। तो फाइनली अब वो यहां है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस समझना इसको बच्चों, बेसिक है बेसिक। ये इनिशियली यहाँ था, इनिशियली पर्सन यहाँ पे था, ठीक है ना, जो भी पर्सन रहा होगा वो यहाँ पर था इनिशियली, यहाँ से गया है, वापस आया है, यहाँ आ गया है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 10 आगे इधर चला, फिर वापस आया 10, ठीक है ना, फिर इधर आया 20, मैग्नीट्यूड निगेटिव होता नहीं है, पाथ लेंथ तो 10 और 40 मीटर, ठीक है, तो 40 मीटर जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो जो है ओ से ए पर गया था, तो डिस्प्लेसमेंट +10, ठीक है, वापस आया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गया था ना और वापस आया, तो गया था तो वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, +10 और फिर -10। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, समझना, मैं इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ,
तो यहां से गया था तो यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 हुआ, फिर वापस आया माइनस 10, फिर आगे इधर निकल गया और माइनस 20, तो ये खत्म हो गया, मतलब माइनस 20 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, देखो निगेटिव आ गया, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ सकता है, जब पार्टिकल यहां से यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जहां से कोई पार्टिकल चलता है अगर दोबारा वहीं आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ये बात समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस मैं ये समझा रहा था कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव कब होगा क्लियर है, निगेटिव कब होगा क्लियर है, जीरो कब होगा क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो लास्ट और ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है, इसको समझो। द मोशन बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन द कैन हैव सो मेनी वैल्यू। हाउ मेनी सो मेनी वैल्यू थ्योरेटिकली? इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू। भाई साहब ये मिस्टर ए का घर है, यहाँ रामू का घर है और यहाँ बी श्यामू का घर है, तो पड़ोसी के घर जाने से अब मैं ये बगल वाली आंटी चाय पर बुलाई हैं, ठीक है, तो बगल वाली आंटी अगर चाय पर बुलाई हैं तो बगल वाली आंटी के घर जाने के कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते से जा सकते हैं, आंटी से पूछो कि कितने रास्ते हैं, तो जो जिसको फिजिक्स आएगा वो कहेगा कि आंटी आपके घर जाने के इनफाइनाइट रूट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रूट्स हैं। वही ये कह रहा भाई, वही ये कह रहा कि इनफाइनाइट रूट है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंगल वैल्यू रखता है, यूनिक, दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट यूनिक वैल्यू रखता है, डिस्टेंस मेनी वैल्यू रखता है, थ्योरेटिकली इन्फिनिटी। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। लास्ट ये एक पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ये वाला समझो, ये फिफ्थ पॉइंट समझो। फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द इनिशियल पोजिशन। समझो इसको, थोड़ा सा दिमाग लगा के पॉज करके सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक तुम्हें भाई साहब नहीं आएगा। आया समझ में? अगर कोई पार्टिकल चल रहा, मूविंग पार्टिकल, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी समझाए, अभी इतना उस पर चिल्लाया मैं कि डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कभी नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट तो घट सकता ना, और घटते घटते जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक बॉल फेंक दूँ बेटा, यहाँ से एक बॉल मैं ऊपर फेंक दूँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है जब बॉल ऊपर जा रहा है। मैं बॉल ऊपर फेंक दिया, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा, लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है, और जब बॉल फाइनली यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी, जबकि डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2h, ठीक है, अगर ये हाइट h है तो अगर कोई बॉडी चलती है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बढ़ता है, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इट शुड बी क्लियर। अगर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो बॉडी उस पॉइंट के क्लोजर आ रही है जहां से वो चली थी, अगर घटते घटते डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फाइनली बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजिशन कोइंसाइड हो गया, एक ही पॉइंट पे आ गया यार, ठीक है, आ रहा समझ में, एक ही पॉइंट पे आ गया, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इन जनरल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब इसमें देखो, इसमें बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े जो टॉपर होते हैं ना वो भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, वही सवाल मैं तुमसे करता हूँ, और मैं कई बार किया, बहुत कम ऐसे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो जवाब दिए। क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? क्या, फिर से सुनो, इट इज पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? तो जो बहुत तेज होते हैं वही बोलते हैं यस, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी सीधी लाइन में चलेगी। और सॉरी टू से दैट, बहुत सारे मॉड्यूल और बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा केस है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है,
बट सच्ची वाली ये बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकते। डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के एक ही स्पेशल केस में। क्या बोला मैं? डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के एक ही स्पेशल केस में जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगी। फील कराता हूँ भाई, फीलिंग डालता हूँ उसमें, ठीक है? आ रही होगी फीलिंग, देखो आएगी अभी। यहाँ से पार्टिकल चलना, ए पोजीशन से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दिया, अब ए से चल रहा है और फाइनली मान लो बी पे आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये अपना डायरेक्शन बदला नहीं है भाई, इधर ही मोशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर है पार्टिकल, तो अगर ये 10 मीटर है, तो अभी डिस्टेंस कितना हुआ? तो अभी डिस्टेंस चली, पार्टिकल डिस्टेंस चली है 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वो आ गया 10i कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 10i कैप डिस्प्लेसमेंट हो गया और 10 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा और मैं और अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए ये पॉइंट। यहाँ पे डिस्टेंस गलत बात वो क्या हो रहा है मेरे साथ, चलते क्या हो जाता है। देखो, क्या मैं कभी ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? क्या मैं ऐसा कभी लिख सकता हूँ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे? कभी नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मॉड, डिस्प्लेसमेंट जो मॉड है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट के, हमेशा ग्रेटर हो गया। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कभी ग्रेटर हो सकती है क्या मेरे भाई? हाँ, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्या ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, क्या कभी फिजिक्स में ऐसा हो सकता है? ये सही है। कब? स्ट्रेट लाइन केस में पार्टिकल आगे जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बदला है, उसी आगे चलता चला जा रहा है, तो ये सही है, ये तो दिख ही रहा होगा भाई, ये कभी नहीं पॉसिबल है डिस्टेंस, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज नेवर ग्रेटर देन, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मॉड। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिवाइड करोगे तो हमेशा रेशियो 1 से ग्रेटर आएगा। तो हमने क्या समझा कि डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये रही कहानी, इसको बोलते हैं कहानी, स्टोरी, थ्योरेटिकल पढ़ाई, क्या बोलते हैं इसको? थ्योरेटिकल। आई होप कि आप थियोरी में बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर थियोरी में आप बहुत अच्छे क्लियर हो गए, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस निकालना आसान है, उस पाथ की ही लेंथ निकाल लो, चाहे आर को सीधी हो, टेढ़ी हो, जैसे भी हो, किसी भी तरह उस पाथ की लेंथ निकाल लो तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? मेथड फर्स्ट में सीधा सीधा वाला लाइन, जैसे मान लो पार्टिकल ए से बी पर गई,
बी से सी पे गई, सी से यहाँ आ गई, सी से डी पर गई, डी से ई पर आ गई, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बात पता है कि यहाँ से चली थी पार्टिकल, ये बात तुम्हें पहले से पता है कि ये वाला जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ है तो ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो जो बच्चों वाला तरीका ये है, सीधा सीधा जो तरीका है कि इनिशियल से फाइनल एक लाइन ज्वाइन कर दो और बाय ज्योमेट्री इस लाइन की मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है, और वही क्या आ जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट है। ए और ई की लेंथ निकाल लो, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है भाई, दिख रहा है, आँखों से दिख रहा है कि यहाँ से चला था यहाँ आ गया, उसकी लेंथ अगर निकाल लोगे तो वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर होगा, सीधा सीधा वाला, ठीक है। कभी कभी हमें दिखता नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कि वो गया कहाँ। फॉर एग्जाम्पल मेथड टू, इसमें तुम यूज करोगे मेथड टू, इसमें तुम यूज करोगे वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ चला गया, फिर वो इधर आ गया, फिर वो इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि जो भी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है सभी को एक्स वाई जेड में, जैसे मान लो ये, तो ये 10x आई कैप डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर ये थीटा डिग्री है तो इसके कंपोनेंट कर दो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कंपोनेंट कर दो, ठीक है ना, ये आ जाएगा डी कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। फिर ये अगर अल्फा डिग्री पर है तो इसके कंपोनेंट कर दो, ये आ जाएगा डी टू, अगर मान लो ये डी टू है तो डी टू कॉस अल्फा और ये आ जाएगा डी टू साइन अल्फा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स, ये सबसे आसान है, ये अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, पता नहीं चलता जब ना। तो सभी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लो, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, 10i कैप प्लस डी कॉस थीटा आई कैप प्लस डी टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस, ठीक है ना, प्लस जे वाला जोड़ लो डी वन साइन थीटा जे कैप प्लस डी टू साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। तो सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आई जे कैप में रिप्रेजेंट कर लो, जितना भी डिस्प्लेस पार्टिकल। देखो फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेथड बहुत इफेक्टिव और बहुत काम का चीज़ है, इसमें सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, जो मोशन हुआ है उन सभी को एक्स वाई जेड में, जो भी मोशन हुआ है उन सभी को मोशन को एक्स और वाई में लिख लो, एक्स वाई जेड में लिख लो, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप एंड सो वन डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट सभी जोड़ लो और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो आई होप कि ये थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी बात बड़े ध्यान से सुने होगे तो तुम्हें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, और तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे, इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किए होगे। तो सपोर्ट मी, शेयर इट और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, बाय बाय।